जो मैट ब्लैक कलर है इस पर पॉलिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओवर टाइम उसका कलर जाता रहता है। सो आज इसलिए अपन ये देखेंगे कि लिक्विड पॉलिश बेटर होती है कि क्रीम पॉलिश। सो हेलो गाइज, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। सो आज इसलिए अपन ये देखेंगे कि लिक्विड पॉलिश बेटर होती है कि क्रीम पॉलिश, क्योंकि दो तरह की पॉलिश होती है अपन अपनी बाइक पे करते हैं ताकि शाइन और उसका लस्टर रहे, क्योंकि कलर फेड होता रहता है ओवर टाइम, और बाइक पे पॉलिश करने से बाइक का कलर मेंटेन्ड रहता है। सो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप ये कलर देख सकते हैं, ये जो मैट ब्लैक कलर है इस पर पॉलिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओवर टाइम उसका कलर जाता रहता है। मैंने अपनी बाइक को काफ़ी पॉलिश करके रखता हूँ ताकि इसका कलर अच्छा रहे। सो अब बेसिकली अपन दो पॉलिशेज को कंपेयर करेंगे, जो बेसिकली क्रीम पॉलिश है और एक लिक्विड पॉलिश है, और उसमें अपन फिर देखेंगे दोनों पे कितना फ़र्क आता है और कौन सी बेस्ट है आपकी बाइक के लिए। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग विच आई हैव इज माइक्रो फाइबर क्लॉथ। अगर आप चाहें तो ये रख सकते हैं या तो एक प्लेन क्लॉथ भी रख सकते हैं, ये बहुत ही सही चीज़ है। मैं इसके यूजेस आपको किसी और ब्लॉग में बताऊँगा, बट फॉर नाउ अपन आगे बढ़ते हैं। सो ये पहली चीज़ है, ये क्रीम पॉलिश है। एक कोट मैं इसका मार के दिखाऊंगा, ये आप मोटो मैक्स की है और मैंने यूज़ करा है, इतना इफेक्टिव नहीं था, लाइक काफ़ी कुछ रह जाता था इसके अंदर, ब्रश आता है और पॉलिश आती है। पॉलिश भी दिखाऊंगा कैसी है। और ये मैंने 99 स्टोर से ली थी, ये भी इसी के जैसी लग रही है, बट ये लिक्विड पॉलिश है। एक बेसिक डिफरेंस ये है इसमें। तो बेसिकली अब मैं अपनी बाइक पर चेक करूँगा कि कौन सी पॉलिश बेटर है, तो अब दोनों का एक कोट मार के देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो गाइस ये अपनी क्रीम पॉलिश है, तो अपन इसको खोल के देखते हैं कैसी है ये एग्जैक्टली। सो ये इज समथिंग लाइक दिस, पूरा क्रीम रहता है बेसिकली। अब इसको अपन डायरेक्टली बाइक पे लगा सकते हैं, तो अब चलिए देखते हैं इसको लगाने के बाद कितना फर्क आता है या कैसा टेक्सचर दिखता है। सो गाइस बेसिकली करना कुछ नहीं, जिसमें कि ये फोम टाइप का मिलता है, इसी बस एक हल्का सा डिप करा है इसमें अपन ने, और अपन अब सीधे बाइक पर आता है। यहाँ पर एक कोट मारा मैंने, सिंपल सा एक कोट मारूंगा, कोई यूज़ नहीं है। इसको अपन साइड कर देते हैं, साइड कर देते हैं इसको यहाँ पे, और अपन दूसरे क्लॉथ से एक बार रब करके देखेंगे कितना फ़र्क आता है। इस साइड में इसको मैंने क्रीम पॉलिश लगाई, उस साइड में लिक्विड पॉलिश लगा के देखूँगा कितना फ़र्क आता है, कैसा क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इसको रब करके देखते हैं। सो गाइस बेसिकली इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये क्रीम पॉलिश करने का। यहाँ पे बस एक चीज़ है, ये दिखता है लाइक ये इतना अच्छा ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाती बाइक, तो इस साइड मैंने क्रीम पॉलिश करी है। अब इसकी जस्ट इस साइड अपन लिक्विड पॉलिश करके देखते हैं और देखते हैं कि वो कितनी इफेक्टिव है। अब ये लिक्विड पॉलिश की एक बात अच्छी है कि इसमें ज़्यादा वो रहता नहीं है कुछ, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसको जस्ट यहाँ से ओपन करा अपन ने ये, और दिस इज़ समथिंग लाइक दैट लिक्विड रहता है। तो अब इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं कितना क्या डिफरेंस आता है, कि क्या क्लीन होगी बाइक वाकई में कि नहीं। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सो गाइस इसका कंपैरेटिव अगर आप ये करें क्रीम पॉलिश, तो ये ज़्यादा बेटर है। इसमें लिटरली मुझे अपना फेस दिख रहा है, देखिए वहाँ पर मैंने करा था, अब देखिए ये वाइट वाइट कुछ छोड़ रहा है इसमें, कंसिडरिंग प्लास्टिक बॉडी इस वजह से। बट यहाँ देखिए फिनिशिंग देखिए आप, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा कंसिडरिंग। अब अपन इसको ओवरऑल पूरा इस पर करके देखते हैं लिक्विड पॉलिश को, क्रीम पॉलिश नहीं करेंगे क्योंकि दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। मैंने पहले भी करा था बाइक पे ट्राई, बट दैट वाज नॉट एक्चुअली यूज़फुल, और बाइक पे कलर भी थोड़ा सा वाइटिश आ रहा था, तो वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने लिक्विड पॉलिश ट्राई करी। अब अपन इस पर लिक्विड पॉलिश अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कितना डिफरेंस आया पूरी बाइक पर कलर में एंड ओवरऑल वाइज। सो गाइज बिफोर वी स्टार्ट अप्लाइंग द पॉलिश ऑन द बाइक, फर्स्ट वी नीड टू कंसिडर गेटिंग द बाइक वॉश्ड। इस पर कुछ भी डस्ट वगैरह होगी तो ठीक नहीं रहेगा, बाइक जितनी क्लीन रहेगी उतना सही रहेगा। तो आप मेक श्योर करें कि बाइक वॉश्ड हो, और इसके बाद एक बार जैसी साफ हो जाएगी देन आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं।
गाइस मैंने इस तरफ पे अपनी लिक्विड पॉलिश कर दी है और ये काफ़ी बेटर है, लाइक काफ़ी बाइक चमक रही है अब देखिए लिटरली। और क्रीम पॉलिश मैं दूसरे साइड करूँगा और अपन कंपेयर करेंगे कि दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सी है। देखिए टैंक पे इस साइड से मैंने पूरी करी है, लिटरली चमक रहा है ये देखिए पूरा इस साइड से पूरा चमक रहा है। मैंने इस तरफ भी करा है, ये देखिए पूरा शाइन कर रहा है। तो अब अपन दूसरी साइड करके देखते हैं और देखते हैं कि लिक्विड पॉलिश ज़्यादा बेटर थी कि क्रीम पॉलिश। सो गाइस इस पे मैंने क्रीम पॉलिश कर दी है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है यहाँ पे, बल्कि वाइट कुछ रह जा रहा है, सब देख सकते हैं इधर पे। थोड़ा सा इधर भी आते हैं, मैंने अच्छे से पॉलिश करा था फिर भी ये देखिए यहाँ पे फिर भी वाइट है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं लगा मुझे, लिक्विड पॉलिश में ज़्यादा क्लीन आया था। बट डैशबोर्ड पे देखें अपन तो ये डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा हुआ, लाइक क्रीम पॉलिश से डैशबोर्ड वाला सरफेस अच्छा क्लीन हुआ, लेकिन मैंने लिक्विड पॉलिश से क्लीन किया था तो इतना क्लियर नहीं था, लेकिन इससे क्लियर है। तो आप चाहें तो डैशबोर्ड के लिए अपने स्पेशली क्रीम पॉलिश यूज़ कर सकते हैं और बाकी ओवरऑल बॉडी के लिए आप चाहें तो लिक्विड पॉलिश यूज़ कर सकते हैं। सो ये बेसिकली डिफरेंस था, कंपेयर करा अपन ने, देखा कितना फ़र्क है। अब ये क्लासेस करके देखते हैं, उसमें पता चलेगा कि एक्चुअली में कुछ फ़र्क है या नहीं। सो गाइस एक साइड मैंने अपनी क्रीम पॉलिश करके रखी है, एक साइड लिक्विड पॉलिश, तो अपन दोनों को करके देखते हैं कि कैसा क्या है और उसके बाद अपनी इनिशियली एक फाइनल वर्डिक्ट पाएंगे और बताएंगे कौन सी बेटर है। सो गाइस इस साइड मैंने अपनी क्रीम पॉलिश करी थी जो कि एज यूजुअल पूरी तरह नहीं ऑब्जॉर्व करा इसके प्लास्टिक ने। यहाँ भी देखिए काफ़ी, इस साइड मैंने पूरी क्रीम पॉलिश करी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि अपन इस साइड आएंगे तो यहाँ कुछ बचा नहीं और थोड़ा ज़्यादा लाइट है इधर, मतलब अब देखें तो काफ़ी बेटर है, इधर बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, इस तरफ पूरा क्लीन है, इधर देखें तो इतना क्लीन नहीं है लेकिन इधर बहुत ज़्यादा क्लीन है, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ लिटरली। तो भाई इस साइड मैंने अपनी क्रीम पॉलिश करी थी जो कि एज़ यूजल पूरी तरह नहीं ऑब्जॉर्व करा इसके प्लास्टिक ने। यहाँ भी देखिए काफ़ी, इस साइड मैंने पूरी क्रीम पॉलिश करी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि अपन इस साइड आएंगे तो यहाँ कुछ बचा नहीं और थोड़ा ज़्यादा लाइट है इधर, मतलब अब देखें तो काफ़ी बेटर है, इधर बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, इस तरफ पूरा क्लीन है, इधर देखें तो इतना क्लीन नहीं है लेकिन इधर बहुत ज़्यादा क्लीन है, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ लिटरली। सो गाइस बेसिकली दोनों साइड मैंने कंपेयर किया और वर्डिक्ट में यही बोलूँगा द क्लियर विनर इज द लिक्विड पॉलिश। और आप भी चाहें तो आप ये अपनी बाइक में यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपके सामने पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया आपको। और रैदर दैन गोइंग फॉर द क्रीम पॉलिश, तो क्रीम पॉलिश मेरे को तो नहीं सूट करी क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, बट लिक्विड पॉलिश से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और ज़्यादा ग्लॉसी फिनिश देता है और लुक अच्छा देता है, क्योंकि मैट ब्लैक कलर के साथ आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसको मेनटेन करना मुश्किल है, बट इस कलर की भी कुछ अलग बात है। ब्लू कलर की यामाहा R15 बहुत कूल लगती है, उसका तोड़ नहीं है, लेकिन ये कलर भी बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक द ब्लॉग। So if you're new to the channel, please give a thumbs up and subscribe to the channel. And if you like the video, leave a big thumbs up. So that's it guys. I hope you like the video. So peace out. And happy Holi guys. Bye.